ốc음 데이 그리고 भाई स्वागत आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर विच इज अ पार्ट ऑफ एनअकेडमी करते हैं अपने आज के सेशन को स्टार्ट और जो हमारा क्वेश्चन बैंक मैंने स्टार्ट किया है मैंने बच्चे आपको कल ही बता दिया था रात को साढ़े दस बजे कि मैं अब जो भी सेशन कराऊंगा ठीक है वो इसी क्वेश्चन बैंक का ही पार्ट होगा चाहे वो मैं अन अकेडमी पे पढ़ाऊं चाहे वो मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ाऊं तो हमारा आज का आपने थंबनेल देख लिया होगा कि 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तो वो 500 क्वेश्चन इसी का हिस्सा है कि हम जो 5000 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट कर रहे हैं रात को साढ़े दस बजे दिमाग में को रखेगा क्वेश्चन बैंक जो रात को साढ़े दस बजे कर रहे हैं उसी का हिस्सा ही है आठ बजे का सेशन ठीक है तो हम पांच सौ क्वेश्चन अभी करेंगे फिर हम क्या बोलते हैं रात को साढ़े दस दो बजे दोबारा सेशन करेंगे आज रात को साढ़े दस दो बजे दोबारा सेशन करेंगे और उसके बाद अन अकेडमी का जो मैराथन है वो मैराथन होगा ठीक है तो कहने का मतलब है जोश हाई होना चाहिए अगर आप करना चाहते हो क्वेश्चन बैंक कंप्लीट ठीक है हर जगह ये फ्री क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है मैं आपको बस इतना बता देता हूं कि मेरी रात की ग्यारह बजे की मैराथन मिस मत करना जो मैं आज करा रहा हूं कल करा रहा हूं और आने वाले दस दिन तक जो मैं मैराथन रात को ग्यारह बजे अन करा रहा हूं वो मिस मत करना यह अन का, का प्रोफाइल फॉलो करिए ठीक है अपना जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसी में दे रखा है ठीक है गुड इवनिंग सभी को और जोश बढ़ा लो अपना ठीक है पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ये जो व्यक्ति है ये हाल फिलहाल में न्यूज में रहे सवाल पूछा जा रहा है ये कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताएगा क्वेश्चन तसल्ली से होंगे लेकिन क्वेश्चन हर क्लास में आपको क्वेश्चन बैंक के ही मिलेंगे ठीक है हर क्लास में अभी मैं करंट अफेयर की एक क्लास लेके आऊंगा ठीक है अभी करंट अफेयर की क्लास है नौ बजे आज हम बराबर कर देंगे आठ से लेके बारह बजे तक मैराथन समझो दस दस के मिनट के ब्रेक में दस, दस मिनट के ब्रेक में आठ से लेकर बारह तक मैराथन है आज इसराइल क्वेश्चन स्टार्ट किया इसकी कल पहली क्लास सुबह ग्यारह बजे होगी मन सिलेक्ट करके एक रेफर कोड यूज करें लाइव अमन ठीक है देखिए एक और क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताएगा क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर सेकंड का जी फर्स्ट एवर बैट्समैन टू स्कोर ट्विन हंड्रेड इन हिज फर्स्ट टेस्ट एज एन ओपनर ठीक है पूरी डिटेल दे दी कि भैया एज अ ओपनर भी और पहला टेस्ट मैच भी और ट्विन हंड्रेड भी मार दिया और पहले बैट्समैन का नाम बताइए ठीक है क्वेश्चन हो गया रोहित शर्मा ठीक है दिमाग रखे बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है वैसे ये रोहित शर्मा इनको इस बार ही ठीक है जो सम्मान मिला अवार्ड मिला ये भी इनके काम पे ही मिला है ठीक है बहुत बेहतरीन खिलाड़ी निकले विच ऑफ द हिटमैन कहते हैं इन्हें भारत का विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज परफॉर्म बाय द किडनी इन द ह्यूमन बॉडी बताइए हमारे शरीर में किडनी का क्या काम है भाई सिंपल सी बात है जो हम नेफ्रोन का काम करता है वो क्या है किडनी की वजह से ना तो एक्सक्रीशन है पूरा ठीक है एक और क्वेश्चन देखिएगा बड़ा प्यारा क्वेश्चन दिल छू देने वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक जो चल रहा है वो हर क्लास में हो रहा है बच्चे मैंने थंबेल भी वैसे ही बनवाया है कि आपका क्वेश्चन बैंक ये है मेरी अन अकेडमी का ग्यारह बजे का मैराथन में मैंने डेट लिखा हुआ क्वेश्चन बैंक क्योंकि मैं क्वेश्चन बैंक दस दिन में सारी क्लासेस में कराऊंगा ठीक है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट जो है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है question number fourth का क्या क्या है? है ठीक बच्चे NGO है एक प्रथम एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट ठीक है report, दिमाग में रखेगा चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा कौन सा कोलोडियल सॉल्यूशन है क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कौन सा कौन सा कॉलोडियल सॉल्यूशन है

करंट अफेयर की क्लास कितने बजे है अभी रात को नौ बजे है ठीक है अभी रात को नौ बजे है आपको क्या करना है रात को नौ बजे सर्च करना है ठीक है जीके विद अमन सर लाइव ठीक है आपको रात को नौ बजे सर्च करना आंसर क्या है नीति आयोग ने कौन सी कंपनी को सिलेक्ट किया है इंडिया का पहला डिजिटल कैपेबिलिटी सेंटर बनाने के लिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ठीक है नीति आयोग ने किसको सिलेक्ट किया बच्चे मिक्सेनी को सिलेक्ट किया है ठीक है एक और क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर रिलायंस नहीं है भाई इसका आंसर ठीक है ये क्वेश्चन नहीं कर रहे इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा हां जी लेटेस्ट अपडेट है कौन सी स्टेट है बच्चे सोलर एनर्जी जनरेशन में सबसे आगे आंसर राजस्थान है सरल सवाल है ठीक है बताइए मैंने आपको पहले ही बोला था जब मैं क्वेश्चन मैक कराऊंगा तो उसमें एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन होंगे कि भैया कुछ साइंटिफिक नेम के ऊपर क्वेश्चन होंगे कुछ कल्चर के ऊपर क्वेश्चन होंगे कुछ क्या बोलते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन वही है साइंटिफिक नेम के आज चार क्वेश्चन करेंगे चारों के चारों याद कर लेना रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ठीक है स्नोक्स जुबूतास जो, जो है ये किसका साइंटिफिक नेम है आंसर है बच्चे चीता का एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ठीक है चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा ठीक है इंटेग्रा जो है आर्टो कैरपस इंटेग्रा जो है ये किसका साइंटिफिक नेम है क्वेश्चन नंबर दस का आंसर बताएगा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर शेयर करो सेशन को सारे के सारे ठीक है बहुत ही सरल सवाल है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चे जैक फ्रूट कटहल जो होता है ना इसका ये साइंटिफिक नेम है एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताएगा ये नहीं कर रहे करा हुआ क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा इन मैमल एंड इंपोर्टेंट रोल ऑफ एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी काम है किडनी का, काम है, excretion का काम जिसका है, वो है किडनी ठीक है एक और क्वेश्चन एलिमेंट कौन सा कमेंट करेगा विच ऑफ प्योर एलिमेंट कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर है जल्दी से बताएगा कौन सा प्योर एलिमेंट है ठीक है जल्दी से बताएं कौन सा प्योर एलिमेंट है एक सेकंड में बताएं जल्दी से प्योर एलिमेंट कौन सा जल्दी से कमेंट करेगी ठीक है दोस्त बड़ा ही आसान क्वेश्चन और आंसर क्या है बच्चे प्योर एलिमेंट कौन सा है सोडियम है ठीक है दिमाग रखे सोडियम प्योर एलिमेंट है याद रखिएगा सोडियम क्या है प्योर एलिमेंट है चलिए ठीक है एक और क्वेश्चन है मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ एटमोसफियर अर्थ के एटमोस्फेयर में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले एलिमेंट का नाम बताइए ठीक है एक आसान क्वेश्चन है यार ठीक है अब कोई कहेगा सर नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गन इन सब हम बोन कंफ्यूज होते हैं ठीक है यार बड़ा आसान क्वेश्चन है ऑक्सीजन इसका आंसर है ठीक है अर्थ के एटमोस्फेयर की बात हो रही है कोई कहेगा कि सर नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होता है ठीक है दिमाग पर रखिएगा लेकिन बच्चे आपके अर्थ के एटमोसफेयर की बात हो रही है ठीक है एक और क्वेश्चन देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताएगा क्वेश्चन का आंसर क्या है गुरुग्राम पुलिस ने ठीक है ट्रैफिक अपडेट को ठीक है और बढ़िया करने के लिए किसके साथ टाई अप किया है जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर पंद्रह का आंसर क्या है ठीक है और ये आसान क्वेश्चन है तो ट्रैफिक से संबंधित जीपीएस होता है ठीक है आंसर क्या है गूगल इसका आंसर है ठीक है दिमाग रखिएगा गूगल इसका आंसर है बहुत ही आसान क्वेश्चन है एक और क्वेश्चन देखिएगा हां जी एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी जरूर आते हैं ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताएगा सभी के सभी प्रोफाइल जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है अमनदीप शर्मा फॉलो अमन सर ओन अकेडमी के नाम से ठीक है जो लिंक दे रखा है उसे फॉलो जरूर करना ग्यारह बजे की मैराथन वर्थ वॉचिंग होगी ठीक है साढ़े दस बजे वाली क्लास के बाद जो होती है इसका आंसर चलिए एक और क्वेश्चन देखिए ये नहीं करेंगे क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या है इस क्वेश्चन का आंसर ठीक है विद स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली एड द पैक्ट विद दिलवारा स्टेट ऑफ अमेरिका फॉर द सिस्टर स्टेट जल्दी से बताइएगा कौन सी स्टेट ने बच्चे ठीक है ये पैकसा इनके आंसर क्या गुजरात ने ठीक है दिमाग रहे गुजरात ने एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है डीपेस्ट सर्फेस डिशन ऑन द अर्थ बड़ा ही आसान क्वेश्चन आंसर एक और क्वेश्चन देखेगा ठीक है श्रीहारी नटराज जो है किस खेल से संबंधित है जल्दी से बताएं अगर आप इन व्यक्ति की बात करें सिरहारी नटराज की तो ये किस खेल से संबंधित है जल्दी से बताएं बहुत इजी क्वेश्चन है ठीक है एक बच्चे का कल मैं कमेंट भी देख रहा था ठीक है क्लास के बाद ही नीचे कमेंट पे लिखा था सर जल्दी किस बात की ठीक है तो भाई देखो यार जल्दी किसी बात की नहीं है हमें जल्दी नहीं है लेकिन यार एग्जाम में जल्दी होगी ना और अगर हैबिट आप धीरे करने की बना लोगे तो जल्दी फिर पेपर में तो दिक्कत होगी ना तो बस आपके एग्जाम की जल्दी है और कोई जल्दी नहीं है ठीक है हमें तो पूरी रात के बारह बजे तक पढ़ाना है क्वेश्चन ही क्वेश्चन करानाने स्विमिंग इसका आंसर है एक और क्वेश्चन देखिए हाँ जी थ्री डी में कौन सा स्पेक्टेकल यूज होता है आंसर क्या है इस क्वेश्चन का जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ठीक है बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि थ्री डी फिल्म में हम क्या यूज करते, है? करते हैं पोलोर्ड्स को यूज करते हैं ठीक है सरल सवाल ठीक है लास्ट हमने मूवी कौन सी देखी थी आप सभी जानते हैं थ्री डी उसके बाद कोरोना लॉकडाउन एक और क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या वेस्ट ऑफ ह्यूमन बींग कौन सा इसमें से देखिए हर एक का जैसे बर्ड का नाइट्रोजिनस वेस्ट अलग है रेप्टाइल्स का अलग है ठीक है ऐसे ह्यूमन बींग का जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है उसे हम क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर बाईस का आंसर आठ बजे ये क्लास डेली होती है रात को आठ बजे कल भी मैं क्वेश्चन बैंक लेके आऊंगा रात को साढ़े दस बजे कल भी मैं क्वेश्चन बैंक लेके आऊंगा आज भी मेरा साढ़े दस बजे क्वेश्चन बैंक है छोड़ना मत साढ़े दस का क्वेश्चन बैंक मत छोड़ना आज का ठीक है क्योंकि यही क्लास है जहां से आप क्वेश्चन बैंक के थ्रू मैराथन में जाते हो और मैराथन करके आपको अच्छी नींद आएगी गारंटी देता हूं रात के बारह बजे तक पढ़ के देखो एक बार मुझसे ठीक है आंसर क्या बच्चे नाइट्रोजनस वेस्ट ह्यूमन का यूरिया है ऑब्वियसली हां जी एक व्यक्ति जिसे कलर ब्लाइंडनेस है वो नहीं देख पाता पूछा गया कौन से दो कलर ढंग से फर्क नहीं कर पाता देख तो पाता है फर्क नहीं कर पाता रेड और ग्रीन में ठीक है और इसी का एक और टाइप होता है कलर ब्लाइंडनेस का एक और टाइप होता है, है, है? प्रोटनोपिया ठीक है प्रोटनोपिया ठीक है उसमें येलो कलर भी ढंग से नहीं देख पाते उसमें येलो कलर भी ढंग से नहीं देख पाते प्रोटनोपिया इज ऑल्सो कलर ब्लाइंडनेस टाइप ठीक है दिमाग रखेगा ठीक है आंसर क्या है इस क्वेश्चन का आंसर क्या जल्दी से बताएगा ऑफियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर उदासीन है, है. To, साथ भी है? उदासी यार, कोई पीएच वैल्यू में एसिड और बेस नहीं होगा साथ इसका आंसर है प्रोसेस ऑफ हीटिंग इन द एब्सेंस देखिए यार दो क्वेश्चन आते हैं या तो भैया एब्सेंस में या तो फिर प्रेजेंस में एयर के ठीक है क्वेश्चन आएगा ही आएगा ठीक क्योंकि ये मेटलर्जी चैप्टर जो मेटल और नॉन मेटल चैप्टर है टेंथ क्लास एनसीआर का उसका एक फेवरेट क्वेश्चन है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में फर्क पता होना चाहिए तो भैया जहां पे एब्सेंस ऑफ एयर है वहां पे कैल्सिनेशन है ठीक है दिमाग को रखिए जहां पे एब्सेंस ऑफ एयर है ठीक है और जहां पे प्रेजेंस ऑफ एयर है वहां पर रोस्टिंग क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा ठीक है एक और क्वेश्चन देखिए टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वट जल्दी से मैग्नेटिक फील्ड में क्या जल्दी से कमेंट करेगा ठीक है आंसर क्या इस क्वेश्चन का जल्दी से बद क्या है इस क्वेश्चन का आंसर दोस्त जल्दी से सारे के सारे आंसर बताओ साहिल शर्मा एंड एवरी जल्दी से बताइए ठीक है आसान क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है ना उसकी यूनिट टेस्ला टेस्ला कंपनी का भी नाम है आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट है उस कंपनी का भी पूरा गाड़ी जो बनाती है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर कहां पर जल्दी से बताएगा शेयर करो यार सेशन को सारे के सारे शेयर करना ठीक है आप सभी का क्यूज मैं आज नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं आपके लिए आज बस सिंपल सी बात ये करना चाहता हूं कि आज मैं जो आपको रात को ग्यारह बजे मैराथन कराने वाला हूं ना ठीक है कोई कहेगा सर हम आपसे आठ बजे भी पढ़े हम आपसे फिर नौ बजे भी पढ़े फिर सर हम आपसे साढ़े दस बजे भी पढ़े फिर सर हम आपसे ग्यारह बजे भी पढ़े ऐसी क्या जी के पढ़ा रहे हो भाई मैं आपको इतनी जी के पढ़ा रहा हूं ना दस दिन पढ़ लो ये काम कर लो दस दिन आठ बजे नौ बजे करंट अफेयर साढ़े दस बजे क्वेश्चन बैंक और ग्यारह बजे मैराथन ठीक है रेलवे में सिलेक्शन हंड्रेड परसेंट है, इस देता। इस क्या है? इसका है। अभी नौ बजे करंट अफेयर के सारे आंसर है हर एक बच्चा हर एक बच्चा जो इस क्लास में देख रहा है वो जहां पे भी मुझसे जुड़ा है नो बजे का करंट अफेयर चैलेंज जरूर एक्सेप्ट करना अगर करंट अफेयर रेलवे की तैयारी कर रहे हो ठीक है थंबनेल में कुछ भी लिखा हो लेकिन करंट अफेयर रेलवे की तैयारी कर रहे हो एस एस की तैयारी कर रहे हो तो आज रात को नौ बजे पीएम है आज रात को नौ बजे एक चैलेंज है करंट अफेयर का वो आपको एक्सेप्ट है तो नौ बजे जरूर आइएगा जीके विद अमन सर यूट्यूब पर सर्च करना सीधा नौ बजे करंट अफेयर का चैलेंज है बताइए विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लोन द मिशन शक्ति स्पोर्ट्स इनिशिएटिव महाराष्ट्र सरकार ने ठीक है एक और क्वेश्चन देखिएगा ठीक है अगर पुरानी पेंटिंग की बात करूं तो मेरे दोस्त वो पेंटिंग खराब हो जाती है काली हो जाती है ठीक है वो किसकी वजह से पहली बात तो मे भी मजरू भाई ने बनाई हो दूसरी बात लेड सल्फाइट उस परत जम जाती है ठीक है लेड सल्फाइट उसमें परत जम जाती है एक और क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर के बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है ठीक करंट अफेयर का क्वेश्चन है क्या है क्वेश्चन बैंक का इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कौन सी कंट्री है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया ड्राइवरलेस बुलेट ट्रेन विदीड ऑफ तीन सौ पचास किलोमीटर पर आ ऐसे करंट अफेयर में आपसे आज रात को नौ बजे एज अ चैलेंज पूछने वाला हूं ठीक है पूरी फुल स्पीड में जितने क्वेश्चन हो सकते हैं करंट अफेयर के पूछूंगा मैं आपसे आज रात को बजे आपको क्या करना है सीधा जाना है जीके विद अमन सर यूट्यूब लाइव सर्च कर देना है आपको मेरी क्लास ऊपर नीचे स्लाइड कर लेना है यूट्यूब पर मिल जाएगी ठीक है नौ बजे करंट अफेयर की क्लास ठीक है जमा खरी हर एक बच्चा पहुंचे चाइना इसका आंसर है ठीक है चलिए ये क्वेश्चन नहीं, नहीं कर रहा इस क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज इट्स करेंसी डॉलर स्किप मारूंगा आसान क्वेश्चन है कर रखा हमने ठीक है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोडक्ट ऑफ एनिमल एक्सेप्ट वन ठीक है सारे एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है एक नहीं है बताइए क्या, क्या नहीं है कमेंट करेगा कहता है कि कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो मैं बिल्कुल सही बात है सही कहता है कार्बोहाइड्रेट नहीं है एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हाँ जी देखिए हमारे जो मंदिर है ना हमारे भारतवर्ष में जो मंदिर है और जो इजिप्ट जो मिश्र है मिश्र जो राज्य है उसके जो मंदिर है उनमें एक चीज की सिमिलैरिटी ठीक है थेके? पूछा गया किस चीज की सिमिलैरिटी है क्वेश्चन नंबर छत्तीस का आंसर बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि मिश्र जो इजिप्ट के मंदिर है और भारतवर्ष के जो मंदिर है उनमें क्या चीज रिसेंबल करती है अच्छा क्वेश्चन आंसर क्या है गोपुरा ठीक है गोपुरा रिसेंबल करता है ठीक कर है दिमाग रखिएगा शिखर होते हैं ना जैसे मंदिर के ऊपर की हाइट पे शिखर होते हैं ऐसा बनता है मंदिर हमेशा शिखर ऐसे गोपिरो होता है आगे गोल घूमता जो पूरा ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं पार्ट ऑफ कैन कैरी आर फोटोसिंथेसिस अच्छा क्वेश्चन ठीक है फूल का ऐसा कौन सा भाग है जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपूर्ण होती है क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन का आंसर क्या है जल्दी से बताया इस क्वेश्चन का आंसर के यार ये आठ बजे वाला क्वेश्चन बैंक तो फिक्स कर लो कि रात को आठ बजे देखना है चाहे वो सैटरडे हो चाहे वो संडे हो कल की क्लास हो चाहे वो परसों मंडे ट्यूजडे हो यह क्वेश्चन बैंक रात को आठ बजे होगा और रात को साढ़े दस बजे होगा ठीक है साढ़े दस बजे मेन चैनल पे करा रहा हूं वाईफाई स्टडी मेन चैनल पे यहां पे मैं वर्थ क्वेश्चन कराता हूं और ज्यादा ठीक है आंसर क्या कैलेक्स इसका आंसर एक और क्वेश्चन देखिएगा हां जी सी आर आई एस की फुलफॉर्म क्या है? जल्दी से बताइए सी आर आई एस की फुलफॉर्म क्या है जल्दी से कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताइए सी आर आई एस की फुलफॉर्म क्या है दस दिन तो जोश बढ़ा लो अपना ठीक है आंसर क्या कंपेरेटिव रेटिंग इंडेक्स फॉर सोवर ठीक है ये मुश्किल और नया क्वेश्चन हुआ ठीक है मुंसिपल कॉर्पोरेशन के लिए कौन सा शेड्यूल है शेड्यूल बारह है ठीक है मतलब इतना फ्लो रखो कि आपको ऑप्शन ऐसे सोल्व करने को मिल जाए ठीक है एक और क्वेश्चन देखते हैं फैट को मिल्क से सेपरेट करना है ठीक है बड़ी आसान सी बात है अगर मैं मिल्क से क्रीम को सेपरेट करता हूं तो उसमें क्या होता है हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है ना ठीक है अगर मैं शुद्ध भाषा में कहूं तो रेडा लगाते हैं ठीक है रेडा लगाते हैं ठीक है आंसर क्या है सेंट्रिकुगल फोर्स इसका आंसर है ठीक है दिमाग करके और इससे भी ज्यादा है तो कन्हैया वाला ठीक है यशोमती मैया से बोले नंदलाला इसी बात पे क्वेश्चन नंबर फोर्टी फर्स्ट का आंसर बताइए ऑन विच डे अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन बताइएगा कहता है कि अर्थ जो है सन के पास होता है किस दिन कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ठीक है जल्दी से बताइएगा, ठीक देखो, देखो, है तीन जनवरी से होती है? है सर्दी भी होती है सुबह के टाइम रविंद्रनाथ टैगोर को नोवल पुरस्कार से सम्मानित गीतांजलि के लिए किया गया था ये इसका आंसर है गीतांजलि इसका आंसर है विमस्टेक की स्थापना कौन से वर्ष में की गई कमेंट करें इस क्वेश्चन आंसर है शेयर करो यार सेशन और हर एक बच्चा आज अभी एक काम जरूर कर लेना यार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा हुआ है प्रोफाइल फॉलो करने के लिए अमनदीप शर्मा का फॉलो अमन सर एकेडमी अकेडमी प्रोफाइल फॉलो करके रात को 11 बजे का क्वेश्चन बैंक लगाया है दोस्तों जरूर जुड़िएगा क्वेश्चन है बारह का साढ़े बारह बजे भी, भी कर सकता हूं मैं रात के बजे तक भी खींच सकता हूं इस क्लास क्लास को ये क्लास अगर आप कर रहे हो ना दस दिन तक D1 D2 के नाम से लिखा हुआ हां जी, और में होती है कमेंट सेल्सियस और फेरानाइट की वैल्यू सेम किस में होती है बड़ा ही आसान क्वेश्चन है माइनस फोर्टी डिग्री सेल्सियस पे एक क्वेश्चन देखेगा एक और क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग हु इज नॉट रिवार्डेड द भारत रत्न बड़ा ही आसान क्वेश्चन है गो, गोविंद वल्लभ पंत ठीक है चलिए छोड़ेंगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं बताइएगा कैक्टस किस तरीके का प्लांट है रेलवे ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछता है देखो मतलब रेलवे का ना अब कभी आप पुराने पेपर उठा के देखो ठीक है बच्चे जो भी बच्चा देख रहा है अगर आप पुराने पेपर उठा के देखोगे रेलवे के क्वेश्चन बहुत छोटे होते हैं लेकिन ना यार थोड़े क्वालिटी क्वेश्चन होते हैं जैसे ये कैक्टस किस तरीके का पेड होता है ठीक है

और अगर आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो अभी रात को नौ बजे का जो चैलेंज है ना करंट अफेयर चैलेंज जो मैं आपको कह रहा हूं कि आज हम रात को नौ बजे करंट अफेयर करेंगे यहां पे यूट्यूब पे ठीक है चैनल का नाम बता देता हूं मैं चैनल का नाम है रात को अभी बजे हम वाईफाई स्टडी डिफेंस चैनल पे करेंगे करंट अफेयर तो सभी एग्जाम के लिए वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम चैनल पे अभी रात को नौ बजे करंट अफेयर करेंगे काम आएंगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे ठीक है आईपीएल थर्ड एक और क्वेश्चन देखिएगा यूट्यूब लाइव हुआ था इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है इस क्वेश्चन का आंसर क्या जल्दी से इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है इस क्वेश्चन का आंसर ठीक है फीफा कप नहीं है भैया इलेक्ट्रा गोल्ड कप है आसान क्वेश्चन है टेबल टेनिस इस क्वेश्चन का आंसर ब्लबलर का मतलब क्या होता है देखिए ब्लबलर का मतलब अगर देखो यार पहली बात तो ये क्वेश्चन है ठीक है ब्लबलर आपने अगर नहीं सुना है तो अथ फैट थिक फैट की लेयर होती है ब्लब्लर का मतलब भी होता है एक और क्वेश्चन क्वेश्चन देखते हैं इस आंसर क्या करंट अफेयर इंपोर्टेंट ओनली स्टेट इन इंडिया जो कि भैया अपने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम में पल्सिस और ऑयल जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है ठीक है वैसे तो ज्यादातर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है उसमें क्या है अनाज मिलता है ठीक है अनाज मिलता है वैसे ये जो स्टेट है ये पल्सिस और ऑयल भी डिस्ट्रीब्यूट करती है आंसर है तमिलनाडु एक और क्वेश्चन देखिएगा हां जी ये भी करंट अफेयर है ठीक है बताइए कौन से ऐसे व्यक्ति है जिनको चेयरमैन अपॉइंट किया है एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडी का जल्दी से बताइए कौन से व्यक्ति को एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडी का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है जो भी बच्चा इस क्लास को देख रहा है जल्दी से बताया इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ठीक है ऐसे करंट अफेयर में अभी नौ बजे पूछूंगा ठीक है चैलेंज के तौर पे पूछूंगा आज आपसे सुनील अरोड़ा इसका आंसर एक और क्वेश्चन देखेगा बताइए क्या है इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें पहला नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बना था जल्दी से बताएगा ठीक है क्या है इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएगा सर बहुत जल्दी हो जा रहा है ठीक है देखो यार मैं मानता हूं मैं जल्दी कराता हूं बच्चों को इरिटेशन होती है मेरे जल्दी कराए से लेकिन मैं आपको बता रहा हूं मेरे जल्दी कराए की स्पीड को अगर आप पकड़ोगे ना अगर आप उसका नाइन्टी परसेंट भी स्पीड को पकड़ रहे हो ना तो आपको पेपर में बहुत ज़्यादा फायदा होगा आप वो पेपर में ही फील कर पाओगे कि हाँ भाई मुझे फायदा हो बच्चे बताते हैं कि सर स्पीड में पढ़ने का फायदा हुआ राला आंसर स्पीड में ही आंसर दो मैं अपनी स्पीड कम नहीं करने वाला डीआरडीओ की अगर मैं बात करूं तो डीआरडीओ ने ठीक है डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के लिए एक फेस शील्ड बनाया है ठीक है डीआरडीओ ने डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के लिए फेस शील्ड बनाया है पूछा गया कौन सी कंपनी के साथ मिलकर कौन सी प्राइवेट फॉर्म के साथ मिलकर आंसर क्या है इस क्वेश्चन का ठीक <coughs> है आंसर क्या बच्चे इसका विप्रो इसका आंसर एक और क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मोस्ट सेंसिटिव टू इनटेक द लैंड ठीक है ब्रेन है ब्लड अगर ब्रेन में जाता है तो बहुत खतरनाक भी होता है साबित ठीक है एक और क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बताइए फीफा 2026 में कितनी कंट्री जो है कितनी टीम जो है पार्टिसिपेट करने वाली है आंसर क्या है इस क्वेश्चन का ठीक कितनी टीम पार्टिसिपेट करने वाली है फोर्टी टीम्स पार्टिसिपेट करने वाली है ठीक है फोर्थ स्टेट और मैटर कौन सा जल्दी से बताएगा ठीक है अगर मैं बात करूं फोर्थ स्टेट फिफ्थ स्टेट और सिक्स स्टेट अभी तक आया नहीं आएगा तो बात कर लेंगे उसकी भी ठीक है लेकिन आपको ना करनी पड़े जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाए प्लाज्मा इसका आंसर है एक और क्वेश्चन देखते हैं ठीक है हम तो करते रहेंगे बात ठीक है पता ही मरकरी थर्मामीटर का सिद्धांत क्या है कमेंट करिएगा मरकरी थर्मामीटर का क्या सिद्धांत है कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर के ठीक है ठेके? आज फुल जोश होना चाहिए रात के बारह बजे तक ठीक है लास्ट में जो ग्यारह से बारह मैराथन में आ गया ना वो बच्चा भाई पूरे जोश में और जो बंदा जोश में होता है ना उसका सिलेक्शन पक्का है ठीक है कोई बच्चा कहने की सर जोश के साथ होश भी चाहिए भाई जो बंदा मेहनत कर रहा है ग्यारह बजे भी आया होश है असली होश तो वही है ना जो बच्चा पढ़ाई के लिए ग्यारह बजे भी आया हुआ है तो भैया फुल जोश रखो होश अपने साथ रहेगा ठीक है आंसर क्या है मरकरी थर्मामीटर का क्या फंडा है एक्सपेंशन ऑफ मैटर ऑन हीटिंग हीट होते एक्सपेंड होता है मैटर ठीक है जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ जाता है और हमारा जो पारा है वो ज्यादा दिखाता है शेफाली वर्मा की अगर मैं बात करूं ये किस खेल से संबंधित है क्या है इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएगा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर शेफाली वर्मा की अगर मैं बात करूं किस खेल से संबंधित आंसर क्या इस क्वेश्चन का ठीक है हा भाई नाइट में बात कर रहा हूं ग्यारह बजे रात को क्लास है मैराथन क्वेश्चन बैंक है क्लास में एंड होने के बाद लाइव अमन रेफर कोड यूज करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो करना है सभी को ग्यारह बजे की क्लास देखनी आज जो बच्चा मुझसे पढ़ता है जागना मत ठीक है मतलब सॉरी सोना मत कहीं जाग जाओ गलती से आंसर आंसर है है क्रिकेट इसका एक और क्वेश्चन देखिए हाँ जी कितने नंबर ऑफ जो है रिप्लेस होते हैं बड़ा ही आसान क्वेश्चन बीस दूध के दांत एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐश्वर्य ठीक है, है बच्चे इन्होंने पहला फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने वर्ल्ड टाइटल क्लेम किया है मोटर स्पोर्ट्स में पूछा गया ये किस शहर से संबंधित है जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है किस शहर से संबंधित है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आंसर क्या बच्चे बेंगलोर से संबंधित है एक और क्वेश्चन देखिएगा ठीक है यह क्लास अभी साढ़े बजे होगी

इस क्लास के बाद अभी मैं रात को ही नौ बजे मत इस क्लास के जस्ट दस मिनट बाद कर, स्टार्ट करा रहा हूं ठीक है रात को नौ बजे करंट अफेयर चैलेंज करा रहा हूं कहां पे पे वाईफाई वाईफाई स्टडी स्टडी डिफेंस डिफेंस एग्जाम एग्जाम चैनल चैनल है है वहां पे मैं रात को नौ बजे एक करंट अफेयर सेशन करा रहा हूं अभी रात को नौ बजे हर एक बच्चा इस यूट्यूब क्लास में आके करंट अफेयर चैलेंज को एक्सेप्ट करो पूरे दो करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे सिर्फ और सिर्फ चालीस मिनट में आके देख लेना दो सौ क्वेश्चन आपको बहुत फायदेमंद लगेंगे ठीक है अभी होगा रात को नौ बजे इसी क्लास के जस्ट एंड में एंटी सी ए रेजोल्यूशन पहली बार स्टेट कौन सी केरला ने दिया था एक और क्वेश्चन देखिएगा ठीक है ये क्या है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है ठीक है मुद्दा बना था इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है इस क्या है ठीक सेवन क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से ठीक है क्या है इस क्वेश्चन का आंसर कहता है कि फैट प्रेजेंट बिलो द स्किन सरफेस हमारी स्किन पे जो फैट होती है उसका क्या काम होता है वो किस चीज की तरह किसका बैरियर की तरह काम करता है बच्चे फैट किसकी तरह काम करता है ठीक है बॉडी से जो हीट है उसको लूज नहीं होने देता ठीक है दिमाग पर रखिएगा बॉडी से जो हीट है उसको लूज नहीं होने देता इट एक्ट एज अ बैरियर ठीक है एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ये नहीं कर रहे करा हुआ क्वेश्चन है पता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है पानी है और पानी पे नीडल अगर होरिजेंटली है ना अगर मान लो पिन होरिजेंटली है तो वो डूबेगी नहीं फ्लोट करेगी तैरेगी उसका कारण क्या है सरफेस टेंशन है क्योंकि यार होरिजोंटल है अगर निप को अगर मैं ऐसे रखू ना तो वो डूब जाएगी लेकिन अगर होरिजोनटली रखू तो नहीं डूबेगी क्योंकि यहाँ पर सरफेस टेंशन है ठीक है एक और क्वेश्चन देखिएगा गर्वी गुजरात भवन जो है ये कहां पे बता है बताइए कौन से शहर में इसे लोकेट किया गया जल्दी से बताइए कहां पे गर्वी गुजरात भवन कहां पर कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ठीक है बच्चे आंसर क्या इसका न्यू दिल्ली इसका आंसर है एक और क्वेश्चन देखे विजम द फॉलिंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू जल्दी से कमेंट करेगा ठीक है आंसर क्या इस क्वेश्चन का मैं बस वेट कर रहा हूँ कि कब 9 बजेंगे और मैं आप सभी से करंट अफेयर पूछूंगा और आप सिर्फ आंसर देंगे कि भैया मैंने एक करंट अफेयर पूछा और उसका आपने आंसर दिया और मैं चाहता हूँ कि 200 क्वेश्चन पूछो और 200 में से 150 प्लस तो सभी के सही हो ठीक है देखते हैं अभी रात को नौ बजे कोई पूछे कहां पे तो भैया वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम चैनल पर यूट्यूब क्लास होगी अभी नौ बजे करंट अफेयर का सेशन आंसर क्या है स्किन इसका आंसर स्किन इज नॉट अ कनेक्टिव टीश्यू सीड की डोरमेंसी जो है किससे रेगुलेट होती है कौन सा हॉर्मोन जो है सीड की डोरमेंसी को खत्म करता है और बीज क्या अंकुरित होकर ऊपर की तरफ पेड़ बनता है आंसर क्या इस क्वेश्चन का जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चे आंसर है इस क्वेश्चन का एफसेसिक एसिड इसका आंसर है चलिए ये नहीं कर रहे पता है 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 इस क्वेश्चन का आंसर ठीक कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है करंट अफेयर है, है कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक रिपोर्ट डाली है अ न्यू फॉर गर्ल टेकिंग स्टॉक ऑन ईयर ऑफ प्रोग्रेस बताइए कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट लॉन्च करी है ठीक है गर्ल्स के लिए रिपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशन चाइल्ड फंड जो है यूनिसेफ के द्वारा जो है लॉन्च की गई है रिपोर्ट को किसके द्वारा यूनिसेफ के द्वारा हाँ जी बताइए इसको ये नहीं कर रहे क्वेश्चन का आंसर बताइए स्किप मार सकते हैं ठीक है बताइए क्वेश्चन है करा हुआ है न्यूज ग्लोबल एजुकेटर फेस्ट जो है बच्चे कौन से शहर में हुआ जल्दी से बताइए ग्लोबल एजुकेटर फेस्ट कौन से शहर में हुआ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ये जो ग्लोबल एजुकेटर फेस्ट है ये कौन से शहर में हुआ है कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताओ दोस्तों ठीक है दोस्त आंसर क्या है इस क्वेश्चन का दिमाग को रखेगा ये ग्लोबल एजुकेटर फेस्ट कौन से शहर में हुआ है उदयपुर में हुआ करंट अफेयर का क्वेश्चन है पेपर में हंड्रेड परसेंट आ सकते हैं ऐसे पेपर में क्वेश्चन ठीक है इसलिए क्वेश्चन बैंक कह रहा हूं इसे क्योंकि इसी में से क्वेश्चन उठेंगे रात को साढ़े दस बजे भी क्वेश्चन बैंक होगा आज यूनियन गवर्नमेंट एज लॉन्च प्रकाश पोर्टल टू मॉनिटर द सप्लाइड ऑफ विच ऑफ द फॉलोविंग यूनियन गवर्नमेंट ने जो प्रकाश पोर्टल स्टार्ट किया है ये किसकी सप्लाई को मॉनिटर करने के लिए किया है जल्दी से कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ठीक है आंसर क्या है बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कोल इसका आंसर है एक और क्वेश्चन देखिएगा ठीक है बताएं इस क्वेश्चन का आंसर रेट रेट ऑफ ऑफ कूलिंग कूलिंग डिपेंड्स ऑन फैक्टर जल्दी से किस फैक्टर पर डिपेंड करता है आंसर क्या है इस क्वेश्चन का जल्दी से बताएगा ठीक है आंसर क्या है इस क्वेश्चन का दिमाग में रखिएगा सभी पे कि भैया टेम्परेचर डिफरेंस कितना है ठीक है नेचर क्या है रेडिएटेड सरफेस का एरिया क्या है रेडिएटेड सरफेस का इन सभी पे डिपेंड करता है ठीक है दिमाग रेट ऑफ़ कूलिंग स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च अ डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम टाइटल आई एम ऑल्सो डिजिटल ठीक है आई एम ऑल्सो डिजिटल केरला के द्वारा स्टार्ट किया गया आई एम आल्सो डिजिटल जो है प्रोग्राम एक और क्वेश्चन देखिए अच्छा क्वेश्चन है ठीक है यूनेस्को ने कौन सी स्टेट के साथ ट्राई अप किया है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को जो है प्रमोट करने के लिए बताइए हमारे देश के कौन से राज्य के साथ यूनेस्को ने टाई अप किया है करंट अफेयर का क्वेश्चन कि हमारे देश के कौन से राज्य के साथ यूनेस्को का टाई अप है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट कराने के लिए आंसर क्या है बच्चे किसके साथ टाई अप है राजस्थान के साथ किसके साथ राजस्थान के साथ, साथ? साथ टाई अप है एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है इजी क्वेश्चन है ठीक है बहुत ही इजी क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा ठीक है आंसर क्या है इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन होगा और उसमें कितने एस्ट्रोनोट को सिलेक्ट किया गया जल्दी से बताएगा भारत के पहले ह्यूमन स्पेस मिशन के लिए कितने एस्ट्रोनोट को सिलेक्ट किया गया ठीक है आंसर क्या इस क्वेश्चन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है बस उसी को टर्म में डाल दिया गया कि भैया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है संवेद के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है और भैया बल कहा जाता है ठीक है सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है ये तो ठीक है एक और क्वेश्चन देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कौन सा ऐसा हमारे देश में राज्य है जिसने हाल फिलहाल में जो वाटर बॉटल है ना उसकी रिटेल प्राइस को लिमिटेड कर दिया कि मतलब हाँ इससे ज्यादा कोई भी कंपनी जो है रिटेल प्राइस इससे ज्यादा नहीं रख सकती बताइए कौन से राज्य में ऐसा हुआ है कि रिटेल प्राइस जितने भी है वाटर बॉटल के उनको क्या लिमिटेड कर दिया और आंसर क्या बच्चे केरला में ऐसा हुआ है कहां पे केरला में ऐसा हुआ है एक और क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हाँ जी फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आंसर क्या है फर्स्ट सीराज गोपालचार्य आसान क्वेश्चन बताइए इस क्वेश्चन का आंसर एट्टी क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताएं बताए क्वेश्चन का आंसर क्या है है ठीक बहुत ही सरल सवाल है इस का कितने क्वेश्चन कराओगे आप? आज की अगर मैं बात करूं तो मैं आज आपको हजार क्वेश्चन करा रहा हूं ठीक है हजार क्वेश्चन करा रहा हूं हजार से भी प्लस कैसे अभी यहां पे सो क्वेश्चन हो रहे हैं करंट अफेयर में दो सौ क्वेश्चन होंगे अभी रात को नौ बजे सारे देखना भाई ये करंट अफेयर दो सौ क्वेश्चन बहुत हैं ठीक है इनकी बर्थ होगी अभी नौ बजे जो दो सौ क्वेश्चन कराऊंगा उसके बाद साढ़े दस बजे दोबारा क्वेश्चन कराऊंगा क्वेश्चन बैंक के ग्यारह बजे मैराथन होती है उसमें तो दो सौ क्वेश्चन से कम मैं कराता नहीं तो भैया बहुत क्वेश्चन होने वाले लगातार देखो बारह बजे तक आज ठीक है सैटरडे संडे में अगर नहीं पढ़े ना इतना बल्क में तो कभी भी ना पढ़ पाओगे हर एक बच्चा जो सिलेक्शन ले रहा होता है ना वो सैटरडे संडे को ब्रेक नहीं समझता मौका समझता है कि हाँ भाई आज तो मैं तसल्ली से आठ से बारह बजे तक पढ़ डालूंगा ठीक है वही कह रहा हूं मैं आपको मौका समझो इस चीज को ठीक है सारी क्लासेस को लो आज की महिंद्रा एंड महिंद्रा इसका आंसर है चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं नेम द प्रोसेस इन विच इंजेक्शन ऑफ मेटीरियल और बाय द सेल इज डन बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इंजेक्शन है ना बच्चे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है आंसर क्या है बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दिमाग पर रखे एंडोसाइटोसिस के थ्रू एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ठीक है डस एनिमल कवर क्राउन होता है टिथका ठीक है बड़े आसान से क्वेश्चन है स्ट्रॉन्स्ट पार्ट है ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर क्या जल्दी से बताएगा ठीक है प्रोफाइल फॉलो कर लेना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है क्योंकि अभी जो मैं 11 बजे मैराथन कराऊंगा उसके लिए जरूरी है प्रोफाइल फॉलो करना और मैराथन में एंटर करना है। जैसे आप फ्री क्लास में एंटर करोगे तो आपसे फ्री क्लास के लिए कोड मांगेगा तो कोड लगाएगा लाइव अमन एंटर करने के लिए ठीक है हर एक बच्चा ग्यारह बजे वाली क्लास में जरूर एंटर करें अन्यो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है लाइव अमन एंटर कोड है ठीक है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन लोकसभा बड़ा ही आसान क्वेश्चन 552 जिसमें से दो तो एंग्लो इंडियन होते हैं ठीक है एक और क्वेश्चन देखिएगा ठीक है एक और क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बड़ा ही आसान क्वेश्चन जल्दी से कमेंट करेगा बड़ा ही आसान क्वेश्चन जल्दी से कमेंट करिए क्वेश्चन का आंसर क्या एटी नाइन क्वेश्चन का आंसर बताएगा ठीक है दोस्तों वट इज द डिस्टेंस बिटवीन द क्रस्ट एंड द कंजीक्यूटिव ट्रफ आसान क्वेश्चन है ये क्रस्ट और ये यह कंजीक्यूटिव ट्रस्ट है और ये डिस्टेंस पूछा गया है तो यार ये तो हाफ हो गया ना वेवलेंथ का ये तो हाफ हो गया ना वेवलेंथ का क्योंकि वेवलेंथ तो पूरी होती है ना और ये हाफ हो गया वेवलेंथ का तो भैया आंसर सी है इसका देखते हैं एक और क्वेश्चन बताइएगा कौन सा ऐसा देश है जिसके साथ भारत वर्ष ने सत्तर अपने वर्ष जो है पूरे कर लिए राजनीतिक संबंध बनाने के जो सत्तर वर्ष है वो पूरे करें किसके साथ आंसर क्या है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चे दिमाग खो के चाइना के साथ राजनीतिक संबंध बनाने के जो सत्तर वर्ष है वो इस बार एक अप्रैल को पूरे हुए तो बताइए इस चीज पे ठीक है वट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर विच इज बी बिल्ट बाय कोचिन जल्दी से बताएगा ठीक है आंसर क्या है भारत का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ठीक है मैं उम्मीद करूंगा कि अभी नौ बजते ही सभी बच्चे ठीक है वाईफाई स्टडी वाईफाई स्टडी डिफेंस चैनल पर पहुंच के ठीक है पूरे 200 क्वेश्चन का करंट अफेयर चैलेंज जो है उसको एक्सेप्ट करेंगे मैं आपको अशोरिटी देता हूं 40 मिनट में इस क्लास को 200 क्वेश्चन उठा देंगे ठीक है चैलेंज है अभी रात को नौ बजे होगा ये सेशन ठीक है दिमाग रखेगा सारे बच्चे जुड़िएगा मेरी इस क्लास में रात को नौ बजे आज करंट अफेयर यहां पर करेंगे विक्रांत इसका आंसर है एक और क्वेश्चन देखिए सेंसस बीस इक्कीस में कितनी शेड्यूल लैंग्वेज है ठीक है स्किप कर रहा हूं अभी मैं इस क्वेश्चन को बाद में बताऊंगा मैगन स्क्यूट जो है फर्स्ट वुमेन टू क्लेम द टू हैट्रिक इन इंटरनेशनल क्रिकेट पूछा गया मैगन स्क्यूट जो है ये किस देश के खिलाड़ी जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जो है, ये किस देश के खिलाड़ी है, इस आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का ये ये दो बारेट्रिक इंटरनेशनल बड़ी बात है वैसे ठीक है दिमाग को रखेगा चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बतेगा ठीक है कौन से ऐसे खिलाड़ी है जिनको सर गारोबर ट्रॉफी जो है मिली जिसे हम प्लेयर ऑफ द ईयर ट्रॉफी भी कहते हैं आईसीसी की तरफ से जल्दी से बताएगा पूरे होंगे दो सौ क्वेश्चन में पूरे करेंगे उसके बाद पचास क्वेश्चन दोबारा साढ़े दस बजे और फिर मैराथन में दो सौ क्वेश्चन दोबारा तसली से क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक तो कवर होकर ही रहेगा ठीक है मेन स्टॉक इसका आंसर है ठीक है इनको प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है गैस रिलीज ड्यूटी फोटो सिंथेसिस बड़ा सस्ता सवाल ठीक है आंसर क्या इस क्वेश्चन का जल्दी से बताइए फोटोसिंथेसिस के समय कौन सी गैस रिलीज होती है क्वेश्चन नंबर का आंसर बताइए सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर क्या है ठीक है बहुत ही सरल सवाल है यार जब गैस रिलीज होती है वही तो हम कंज्यूम करते हैं हम ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं ना तो वही रिलीज होती है एक और क्वेश्चन देखिएगा एक्वारिजिया हम एक बेसिक चीज जानते हैं कि एक्वारीजिया बहुत ही ज्यादा जो प्रीशियस मेटल्स होते हैं जैसे गोल्ड हो गया उन सभी को कंजर्व करने के लिए यूज किया जाता है हमें यह भी पता उसमें एच सी एल और एच एन ओ थ्री होता है ठीक है अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या इसका आंसर होगा कमेंट करेगा ठीक है चलिए बड़ा आसान क्वेश्चन है इसका आंसर है तीन पार्ट एच सी एल और एक पार्ट जो है एच एन ओ थ्री ठीक है तीन पार्ट एच सी एल कहने का मतलब तीन रेशो एक है यहां पे एच सी एल और यहां पे क्या है एच एन ओ थ्री ठीक है याद रखिएगा कोई बच्चा अगर भूलता ना रेशो तो रेशो भी याद रख लो एक दो तीन यही से तीन याद रखना और इसका फिर इकलौते का एक तो रहेगा तीन रेशो एक ठीक है चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है <coughs> बताइए भारत का इकलौता इंडिजीनियस टेस्ट किट है कोविड नाइनटीन का जो कि पुणे में लॉन्च हुआ था आंसर क्या इस क्वेश्चन का जल्दी से बताएगा कोविड नाइनटीन के लिए ठीक है जो कि पुणे में लॉन्च हुआ था इसका नाम क्या है कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताएंगे जल्दी से कमेंट कर दो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है लास्ट के तीन क्वेश्चन है उसके बाद पंद्रह मिनट का ब्रेक पंद्रह मिनट बाद रात को अभी नौ बजे ठीक है करंट अफेयर सीरीज क्या है पे वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल है वहां पे कर रहे हैं वो करेंगे उसके बाद साढ़े दस बजे और फिर उसके बाद ग्यारह बजे कमाइल लगातार क्लासेस ठीक है मतलब फुल आठ से बारह क्लास पैथो डिटेक्ट इसका आंसर है बताइए विच यूनियन मिनिस्ट्री इज सेट टू लॉन्च द प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न स्टेट ठीक है पूर्व उदय के नाम से प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसमें जितने भी पूर्वी राज्य हैं उन सभी की क्या है विकास के ऊपर क्या है जोर दिया जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कौन सी मिनिस्ट्री इसको स्टार्ट कर रही है कमेंट करें ठीक है आंसर क्या बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है ठीक है कुछ बच्चे दिमाग लगा ईस्टर्न रीजन है ठीक है ईस्ट ओहो मैच कर गया ठीक है दिमाग में रखो यहां पे नॉर्थ ईस्ट कह रहा है उत्तर पूर्वी इलाकों और पूर्वी इलाकों में जमीन आसमान का फर्क है ठीक है और अगर ये भी ना समझ आ रहा तो बहुत डिस्टेंस का फर्क है ठीक है दिमाग पर रखेगा स्टील का है उड़ीसा राज्य पे ज्यादा फोकस हो रहा है उड़ीसा को उड़ीसा राज्य को ठीक है स्टील अब बनाने की कोशिश की जा रही है इसमें जापान देश इसकी मदद कर रहा है अगर आप इसका कंटेस्ट जानना चाहते हो तो ये जन सूचना पोर्टल कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ठीक है आंसर क्या है इस क्वेश्चन का ठीक है सर आज से स्टार्ट हुए लक्की शर्मा ये सीरीज कल रात को साढ़े दस बजे स्टार्ट होगी थी और मैं आपको साढ़े दस बजे और आठ बजे ये सीरीज करा रहा हूं और रात को ग्यारह बजे ठीक है तो अभी साढ़े दस बजे भी क्लास होगी नौ बजे भी क्लास होगी ठीक है सारी क्लासे आज फुक्स फिल है ठीक है आंसर क्या राजस्थान इसका आंसर है लास्ट क्वेश्चन उसके बाद करंट अफेयर रात को नौ बजे भरतपुर बर्ड सेंचुरी फेमस राजस्थान में ठीक है अलवर के पास ठीक है जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस चीज को याद रखेगा ये मेरा प्रोफाइल है आपको क्या करना है आप बस अभी नौ बजे की क्लास में आई उससे पहले आप क्या करें क्योंकि मैं ग्यारह बजे मैराथन कराऊंगा इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है फॉलो अमन सर जरूरी है यह काम फॉलो करो ग्यारह बजे की मैराथन पे क्लिक करो ठीक है फॉलो करते समय ना एक कोड मांगेगा फ्री क्लास में एंटर करने के लिए कोड लगाइए लाइव अमन ये काम आप अभी कर लीजिए जिससे आपको ग्यारह बजे क्लास आसानी से मिल जाए 11 बजे की क्लास नोटिफाई कर लो और ये कोड लगाओ फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास को देखने के लिए लाइव अमन ठीक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है लिंक सभी के लिए लिंक है फॉलो अमन सरोन अकेडमी क्लिक करो फॉलो करो प्रोफाइल को क्लास ढूंढो 11 बजे की कहां पे स्पेशल क्लास में और उसमें कोड लगाओ लाइव अमन जिससे आपको वो क्लास नोटिफाई हो जाएगी ठीक है और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है मैराथन होगी रात को ग्यारह बजे बेहतरीन वाली सुप्रीम साइंस बैच स्टार्ट कर दिया है कल से इसकी पहली क्लास है सुबह ग्यारह बजे ठीक है ये कोर्स आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट करने वाला है लाइव अमन इसका रेफर कोड है ठीक है गोल सिलेक्ट करिएगा रेलवे का गेट सब्सक्रिप्शन में क्लिक करें मंथ सिलेक्ट करें ठीक है जब आप गोल सिलेक्ट करते हैं ना उसके बाद मंथ जरूर सिलेक्ट करें और वो भी ज्यादा से ज्यादा क्योंकि कोर्स कम हो जाती है उससे उसके बाद रेफर कोड यूज करें लाइव अमन ठीक है कोर्स को कम करने के लिए ठीक है मुझे उम्मीद है अभी आप सारे के सारे नौ बजे करंट अफेयर के चैनल पर जरूर जुड़ोगे एक करंट अफेयर आपका जो होने वाला है आज वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम चैनल पे होने वाला है एग्जैक्टली नौ बजे ठीक है सारे के सारे उस चैनल पे जुड़ के मेरे से आज करंट अफेयर पढ़े रात को नौ बजे और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ठीक है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों आप सभी मेरा वीडियो का प्रोफाइल जो अन अकेडमी का प्रोफाइल है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है सारे के सारे प्रोफाइल फॉलो करके लाइव अमन कोड यूज करिए मेरी फ्री क्लास रात को 11 बजे अन अकेडमी पे मैराथन होने वाली है उसको जरूर देखेगा ठीक है सेशन को एंड करते हैं मिलते हैं दोबारा 15 मिनट बाद रात को 9 बजे करंट अफेयर के सेशन में धन्यवाद सेशन को लाइक करिए शेयर करिए और जोश में रहिए जिससे आप बढ़िया